आज एक ऐसी कंपनी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका कमेंट्स मेरा हर वीडियो में आया है, और मैं उसी कंपनी का रिव्यू करता हूँ जिसका कमेंट्स ज़्यादा आता है मेरे पास। क्योंकि बहुत सारा ऐसा नया बंदा है जो अपने मुल्क छोड़ के, चाहे इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, किसी भी मुल्क से दूसरे कंपनी में जाना चाहते हैं, दूसरे मुल्क में जाना चाहते हैं काम के लिए। उनके मन में हमेशा डाउट रहता है कि मैं जिस कंपनी में जा रहा हूँ वो कंपनी कैसा रहेगा, कंपनी में टाइम पे सैलरी है कि नहीं, कंपनी का फूड एकोमोडेशन क्या है, ओवर टाइम है कि नहीं, कंपनी क्या काम करता है। बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो जानना उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को मेरे पास जितना जानकारी है रॉयल कंस्ट्रक्शन के बारे में मैं आप लोगों को बताऊँगा। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आगे आप लोगों को इसका पार्ट टू पार्ट थ्री मैं दूंगा। जो भी नया नया अपडेट आएगा मैं वीडियो बना के आप लोगों को दूंगा। अगर आपको कुछ भी और जानकारी चाहिए आप मेरे फेसबुक पेज फॉलो करके मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरे पास जितना जानकारी रहेगा मैं आप लोगों को बताऊँगा। शुरू करते हैं आज के वीडियो। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल गर्ल्स बैट पर आप लोगों को स्वागत करते हैं। मेरा नाम है सैयद अनिसुर रहमान। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज जो कंपनी का नाम है रॉयल कंस्ट्रक्शन कंपनी, जो किर्गिस्तान में है। सो पहले आपको मैं एक कंपनी के बारे में बता देता हूँ। रॉयल कंस्ट्रक्शन कंपनी जो है ज़्यादा पुराना कंपनी नहीं है। ये कंपनी ओनली 5 ईयर्स कंप्लीट किया है, और 5 ईयर्स में ये कंपनी किर्गिस्तान में 3 अपार्टमेंट बनाया है। एक एक अपार्टमेंट में 400 से ज़्यादा फ्लैट है। सो 3 अपार्टमेंट बनाया है, और आपको मैं बताया अभी 400 से ज़्यादा फ्लैट है एक अपार्टमेंट में। अरे जो बिल्डिंग बनाता है आज का मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, मॉडर्न डिज़ाइन जो है उसको फॉलो करके, जो नया जो टेक्नोलॉजी आया है उसको इस्तेमाल करके ये नया प्रोजेक्ट खड़ा करता है, नया बिल्डिंग बनाता है, नया अपार्टमेंट बनाता है। मैं आप लोगों को बता दूं कि किर्गिस्तान जो है एक डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप कंट्री नहीं है। ये जो कंट्री है अभी डेवलप हो रहा है, स्टेज में है, जो प्राइमरी स्टेज होता है उस स्टेज में है ये कंपनी, धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पे बहुत सारा वैकेंसीज आजकल देखने के लिए मिलता है। अभी के डेट में रॉयल कंस्ट्रक्शन के पास 2 कंस्ट्रक्शन चल रहा है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसके लिए कंपनी रिक्रूटमेंट कर रहा है। मैं आप लोगों को बता दूं कि रॉयल कंस्ट्रक्शन कंपनी जो है ये मेन कंपनी है। इसके अंडर में और 4 कंपनी है जो इसका काम करता है, रॉयल कंस्ट्रक्शन का काम करता है। उसमें से एक नंबर जो एक नंबर कंपनी है वो कैपिटल स्टोरी इन्वेस्ट आईसी, दूसरा एलोटेक्स, तीसरा इकोवर्क कंपास, चौथा हुंडई। जो 4 कंपनी का नाम बताया ये 4 कंपनी रॉयल कंस्ट्रक्शन का काम करता है। मतलब रॉयल कंस्ट्रक्शन कंपनी जो प्रोजेक्ट है वो हाथ में लेता है, इसके बाद ये जो 4 कंपनी है ये 4 कंपनी उसका जो काम है उसमें उसको हेल्प करता है, मतलब वो प्रोजेक्ट लेके काम करता है। अभी बात करेंगे कि आपको क्या बेनिफिट मिलेगा अगर आप इस कंपनी में जाते हो, और इस कंपनी में क्या क्या वैकेंसी आता है। दोस्तों, मैं आप लोगों को पहले ही बताऊंगा, अगर आप इस कंपनी में जा रहे हो, जाने के लिए सोच रहे हो, तो मस्ट आप इंटरव्यू देके जाइएगा, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। दूसरी चीज, आपके पास ऑफर लेटर या एग्रीमेंट लेटर होना चाहिए, वहाँ पे लिखा रहना चाहिए आपको किस पोजीशन के लिए लेके जा रहे हैं, आपका सैलरी स्ट्रक्चर क्या है, आपका फूड एकोमोडेशन क्या है, आपका बाकी जो बेनिफिट है क्या है उसमें लिखा रहना चाहिए, कंपनी का नाम एड्रेस ठीक से देख लीजिएगा, वेबसाइट रहना चाहिए, उसके साथ साथ कंपनी का आप बाकी स्टैम्प ऑफर लेटर में या फिर एग्रीमेंट लेटर में होना चाहिए। इस कंपनी में क्या क्या वैकेंसीज आता है, इस कंपनी में बहुत सारा वैकेंसीज ऐसा आता है जो सिविल रिलेटेड है, जैसे कि सिविल इंजीनियर, सिविल ड्राफ्ट्समैन, उसके साथ साथ इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, फिटर, स्टील फिक्सर, मैसन, शटरिंग कारपेंटर, उसके साथ साथ इस कंपनी में क्लीनर हेल्पर का भी वैकेंसीज रहता है, कैम बॉस, सिक्योरिटी गार्ड, हर चीज़ का वैकेंसी इस कंपनी में अवेलेबल है।
अभी बात करेंगे सैलरी के लिए। अगर आप इस कंपनी में इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, सेटरिंग कारपेंटर, मैसन, स्टील फिक्सर में जा रहे हो तो आपका जो सैलरी रहेगा 700 से 800 यूएसडी डॉलर। अगर क्लीनर हेल्पर पे जा रहे हो तो 500 से 600 डॉलर आपका सैलरी रहेगा। ओवर टाइम की बात किया जाए तो इस कंपनी में ओवर टाइम इस टाइम नहीं है। आपका 10 घंटे का ड्यूटी रहेगा, उसमें से आपका 8 घंटा बेसिक ड्यूटी रहेगा, 2 घंटा आपका ब्रेक टाइम रहेगा। एकोमोडेशन की बात किया जाए तो एकोमोडेशन आपको तीनों टाइम मिलता है इस कंपनी की तरफ से, रूम भी मिलता है। वीसा का बात करते हैं, आपका वीजा 1 ईयर का रिन्यूअल वीसा होता है, अगर आप ये 1 ईयर कंप्लीट करते हैं उसके बाद आपका वीजा एक्सटेंड होता है। इंक्रीमेंट की बात किया जाए तो इंक्रीमेंट इस कंपनी में है, आप जब 1 साल पूरा कर लोगे तब आपका इंक्रीमेंट इस कंपनी में होता है, लेकिन डिपेंड करता है आप कौन सा प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, किस मैनेजर के अंडर में काम कर रहे हैं। अगर आप इस कंपनी में जाने के बाद आपको कुछ प्रॉब्लम हो गया, तकलीफ हो गया, अपने मुल्क जाना है, चाहे आप इंडिया से हो, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से हो, चाहे आप इमरजेंसी छुट्टी लेके जा सकते हो उस कंपनी से। सो दोस्तों, मैं आप लोगों को जितना जानकारी था इस कंपनी के बारे में मैं आप लोगों को बताया। फिर भी आपको कुछ डाउट है आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, उसके साथ साथ आप फेसबुक पेज पे भी फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, या फिर आपको कुछ डाउट रह गया, कुछ जानना है तो आप नीचे कमेंट भी कर सकता है, मैं आप लोगों को रिव्यू कर देता हूँ। आप इस कंपनी में जा रहे हो तो फर्स्ट आप इंटरव्यू देके जाओ, दूसरा आपके पास एग्रीमेंट लेटर, ऑफर लेटर कुछ भी होना चाहिए, तीसरा आप जा रहे रॉस्ट कंस्ट्रक्शन ग्रुप में या फिर किसी साब कॉन्ट्रैक्टर के अंदर, वो भी आप देख के जाइए। हमेशा आप लोगों को बताऊंगा, आप जा रहे हो तो उसी कंपनी का वीज़ा में जाइए, रॉयल कंस्ट्रक्शन का वीज़ा होना चाहिए, या अगर आप साब कॉन्ट्रैक्टर के वीज़ा में जा रहे हैं तो आप अपने जिम्मेदारी में जा रहे हैं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कुछ भी डाउट होगा तो नीचे कमेंट कीजिए। आज के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़।